ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ एके जैन साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। एके जैन साहब, ये सॉरी बाबू इन्वेस्टिगेशन के कितने काम का है, और आपके जो फॉर्मर कुलीग विक्रम गोविंद सिंह साहब जो कह रहे हैं कि मॉर्चरी में किसी को जाने की परमिशन नहीं है, क्या इसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले के तौर पर भी देखा जाए? नहीं, जो सर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी को अनुमति नहीं होती है जाने की। कोई अगर जाएगा भी, कोई बहुत ही निकट परिवारीजन है तो साथ में कोई एस्कॉर्ट करता है, ये उचित नहीं है। मेरा एक और मानना है इसमें कि अभी तक तफ्तीश जो जांच है, तफ्तीश नहीं, जांच जो हो रही थी वो मुंबई पुलिस कर रही थी, और एक अलग किस्म का दबाव था गवाहों के ऊपर, सबके ऊपर। अब तफ्तीश हो रही है बाकायदा और सीबीआई के द्वारा की जा रही है। आप ये पाएंगे आने वाले दिनों में बहुत से नए गवाह प्रकट हो सकते हैं, बहुत से गवाह अपनी गवाही बदल सकते हैं। और इस तरफ एके जैन साहब, इस तरफ परिवार ने भी एक इशारा किया था कि उनके सुशांत के जाने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं, कोई भाई बन के, कोई दोस्त बन के, और तरह तरह की बातें इसमें की जा रही हैं, लेकिन सुशांत को बहरहाल इंसाफ मिलना चाहिए। सुशांत की पोस्टमार्टम में आखिर कैसी हड़बड़ी थी और सीबीआई ने पकड़ी क्या गड़बड़ी, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फॉर लॉट्रा